ये देखो अरे जब तुम्हारे पास आ जाए उससे निकल लेना। अरे इनको हटाओ इससे दादा 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 आप पीछे हो जाओ फ्रेम में आ रहा है। अरे रुक जा मेरी फोटो ना आए ना आई सब पर और जान पत्थरों को भी गिर गई इधर क्या कैसे आए यहाँ पर कैसे पकड़ेगा वो सर दोस्त थे इधर देख के बताओ इधर इधर मजदूरी सर करते थे पीछे कुछ बहुत तुमने तो वही सर अपने गाड़ी से थे हमारी बाइक थी रिश्तेदार की वो भाग गया बाइक है अभी बाहर खड़ा था मैं पकड़ दूसरे के चक्कर में बोल गिराया उसने अपनी सेटिंग बोला हमारे यहाँ के हैं क्या नाम डॉक्टर अच्छा पेपर सॉल्व करने आए थे नहीं मेरा खुद तो पेपर था कहाँ का है वो मेरा खुद तो पेपर था दूसरे के चक्कर में हमें पकड़ा एग्जाम दिलाने आया मतलब कितने कितने तेज बोलो भाई क्या नाम किसका पेपर देने आए थे अशोक कुमार प्रजापति कहाँ रहते हो पटना में पटना से पेपर देने कानपुर आए थे इससे पहले कहाँ कहाँ पेपर दिए हो कानपुर में दिए कितनी बार दे चुके हो इससे पहले पेपर दो बार कैसे पकड़े गए आपकी बार तेज बोलो भाई फोटो से पकड़े गए और कौन कौन था ग्रुप में कितने लोगों का गैंग चलता है आपका सर मेरा गैंग नहीं चलता कितना पैसा लिया था आपने पेपर देने का 15,000 कितना 15,000 तुम्हें कितना मिलता है 15,000 क्या मामला है जो गैंग पकड़ा गया है कितने लोग हैं और क्या करते थे कल शाम देर शाम एसटीएफ और कल्याणपुर थाने की टीम ने मिल करके सॉल्वरों की एक टीम पकड़ी है जिसमें ये लोग फर्जी एग्जामिनेशंस देते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं और ऑल ओवर इंडिया मोस्टली ये लोग एग्जामिनेशंस देते हैं और दिलवाते हैं हर एग्जामिनेशन के लगभग 5 से 6 लाख रुपए लेते हैं जिस टाइप एग्ज़ाम है उस पर डिपेंड करता है किस टाइप एग्ज़ाम दे रहे हैं ये लोग कल जो है जिस क्रम में ये लोग रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को देने के लिए आए थे उसमें 10 अभी पकड़े गए हैं अभी 5 लोग और भी फरार हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है किन किन विभागों की ये लोग परीक्षा दिलवाते थे और कैसे ये इंटर के लेवल के बाद जितने भी परीक्षाएं हैं मोस्टली सारे लेवल के एग्ज़ाम दिलवाते थे जो भी थोड़े लो लेवल के होते थे बहुत हाई लेवल्स पे इनकी पकड़ नहीं है लेकिन अभी तक जो खुलासा हुआ है उसमें जनरली रेलवे की या फिर शिक्षक भर्ती की ये सब परीक्षाएँ ये लोग दिलवाते थे इसमें जो इनका मेन सरगना है रंजीत और एक और लड़का है ये दोनों लड़के पटना के हैं ये इनका मेन सरगना है और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश ऑपरेट करता है उसका नाम राहुल है ये प्रयागराज का रहने वाला है मोस्टली लड़के या तो बिहार के हैं या तो प्रयागराज के हैं इन सब लोगों की एक टीम है बेसिकली ये लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं फ़ोटोज़ मिक्स करते हैं जो कैंडिडेट है और जो सॉल्वर है दोनों के चेहरों को आपस में मिक्स करते हैं इनका मेन ऑपरेशन जैसा मैंने कहा राहुल वहाँ प्रयागराज से अपना एक कैफ़े चलाता है वहाँ से ये काम करता था और भी लोग उससे मिले हुए हैं जो इस तरह काम करते थे फर्जी आधार कार्ड क्रिएट करना फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना उसके बाद सॉल्वर्स बैठते हैं और हर सॉल्वर को परीक्षा पास करने के लिए उत्तीर्ण करने के लिए पैसे दिए जाते हैं लेकिन मेजर सम जो है ये सरगना लोग अपने पास रख लेते थे कितने समय से काम कर रहे थे कुछ इन्होंने बताया जो समय है इनकी समय सीमा काफ़ी लंबे समय से है कुछ लोग 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं एक लड़का है इनमें से इसने अपने मुंह से 7-8 की कबूला लेकिन हमारा आकलन ये है कि वो कम से कम 20-25 परीक्षाएं दे चुका है तो 20-25 परीक्षाएं देने का मतलब वो कम से कम 2 या 3 वर्ष से काम कर रहा है ऐसे और भी लोग हैं हम लोग और भी तय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एसटीएफ की टीम भी इस पर लगी हुई है और जो भी सूचनाएँ मिलेंगी इस पर कार्रवाई की जाएगी
इनकी जानकारी भी ये प्राप्त हुई है कि ये कल एक सीटीईटी की परीक्षा थी, कल इनका गैंग उसमें भी बैठने वाला था। हाँ, इनकी ये मैंने जैसा वो कहा कि ये जितने भी परीक्षाएं एक साथ होती हैं लमसम, उन सब में कोशिश करते हैं इन सब के लोग। जैसे अभी रेलवे भर्ती बोर्ड में भी था, सीटीईटी जो आप कह रहे हैं उसमें भी था, इससे पहले भी एग्ज़ाम देकर के इसी इन्हीं का एक बाइफर्केटेड ग्रुप बिठूर में भी पकड़ा गया था, बिठूर में। और एसटीएफ ने ये एक ग्रुप शायद सचेंडी में, दिमाग से निकल रहा है, सचेंडी या सचेती में एक ग्रुप पकड़ा था इसका हाल फिलहाल में। तो ये काफ़ी वृहद ग्रुप है जो ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनकी तह तक एसटीएफ पहुंच रही है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से, थाना माध्यम से भी जितनी हमें सूचनाएँ मिलती हैं वो उनका एसटीएफ को सहयोग दिया जाए और अपने स्तर से जो हो सकता है हम लोग कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं।